नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है, जिसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगस्त महीने से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अब तक कई सारी तैयारियां कर ली है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर कई सारे अपडेट भी साझा कर दिए हैं, जिसके तहत जहां एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी वोटर के लिए कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई का भी ऐलान किया गया है। वहीं अब चुनाव में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटरों की हाजिरी लगाने का ऐलान किया है, जिसके लिए पंचायत चुनाव के दौरान बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत ही अब पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए हर एक बूथ पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने का काम किया जाएगा, जिसकी मदद से अब वोटिंग के लिए आए हर एक वोटर की इसकी माध्यम से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार के पास इस बाबत याचिका भेज दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ ही बायोमेट्रिक मशीन लगाने की दिशा में काम शुरू हो जाएगा, जिसके तहत अब राज्य में 1,10,000 बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने का काम किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बूथ पर स्थापित की जाने वाली बायोमेट्रिक मशीन के साथ 5 तरह की जांच की जाएगी, जिसके तहत वोट देने आए मतदाता का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। इसके अलावा हर मतदाता की फेस रीडिंग का काम किया जाएगा, फिर उसका इपिक लिया जाएगा, जिसके बाद मतदान से पहले इसको सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की इस पहल के बाद ऐसे मतदाताओं की पहचान करना आसान होगा जो बोगस के रूप में अपने मताधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि राज्य सरकार के आखिरी फैसले के बाद ही इस मामले पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य में मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद सदस्य के करीब 2.5 लाख पदों पर मतदान का आयोजन होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव को पहले ही 10 चरणों में करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद अगर अब बायोमेट्रिक की सुविधा बहाल की जाती है तो सभी पदों पर होने वाले चुनाव में पारदर्शिता आ जाएगी और हर बार की तरह चुनावी परिणाम वाले दिन ईवीएम के साथ छेड़खानी का आरोप भी अब नहीं लग सकेगा। हालांकि इस बार यह पहला मौका होने वाला है जब गांव के चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग बिहार में किया जा रहा है। इससे पहले चुनाव का आयोजन बैलेट पेपर के इस्तेमाल से किया जाता था, लेकिन इस दौरान चुनावी परिणाम के समय कई अनियमितता की शिकायत सामने आती रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही अब चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल करने की पहल की गई। ज्ञात हो कोरोना के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण ही पंचायत चुनाव का आयोजन पिछले साल नहीं हो पाया था। हालांकि ईवीएम को लेकर फंसे मामले में भी चुनाव में देरी करवाई थी। हालांकि इस बार राज्य निर्वाचन आयोग को भी उम्मीद है कि पंचायत चुनाव का आयोजन आने वाले महीने में करवा दिया जाएगा। इसको लेकर अगस्त महीने से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।